राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला शिशु जगत। प्यारे बच्चों, आज अब जो कहानी आप सुनोगे उसका नाम है भेड़िया आया। गोपी नाम के एक बच्चे को एक बुरी आदत थी। वो झूठ बोलकर सबको बुद्धू बनाता था। अपनी इसी आदत के कारण वो एक बार बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। वो कैसे, ये सुनो इस कहानी में। लड़का नाम था गोपी, उधम बहुत मचाता था। रोज सवेरे वह जंगल में भेड़ चराने जाता था। रोज सवेरे वह जंगल में भेड़ चराने जाता था। एक था लड़का गोपी, उधम बहुत मचाता था। एक था लड़का नाम था गोपी। जंगल में वह रोज ही सबको बुद्धू बनाता था। जंगल में वह रोज रोज ही सबको बुद्धू बनाता था। आया भेड़िया झूठ मूठ चिल्लाता था। आया भेड़िया झूठ मूठ चिल्लाता था। एक था लड़का नाम था गोपी, उधम बहुत मचाता था। एक था लड़का पहुंचते उसे बचाने सबकी हंसी उड़ाता था। लोग पहुंचते उसे बचाने सबकी हंसी उड़ाता था। देख शरारत हरदम उसकी सबको गुस्सा आता था। देख शरारत हरदम उसकी सबको गुस्सा आता था। एक था लड़का नाम था गोपी, उधम बहुत मचाता था। एक था लड़का आकर जंगल में जाना छोड़ दिया। लोगों ने फिर तंग आकर जंगल में जाना छोड़ दिया। झूठे गोपी से सबने अपना नाता तोड़ लिया। झूठे गोपी से सबने अपना नाता तोड़ लिया। एक था लड़का नाम था गोपी, उधम बहुत मचाता था। एक था लड़का। एक दिवस फिर जंगल में सचमुच आया एक भेड़िया। गोपी जान बचाने को
जोर जोर से चिल्लाया, जोर जोर से चिल्लाया, कोई आओ मुझे बचाओ, खा जाएगा मुझे भेड़िया, खा जाएगा मुझे भेड़िया, खा जाएगा मुझे भेड़िया। कोई आओ मुझे बचाओ, खा जाएगा मुझे भेड़िया, कोई नहीं बचाने आया, गोपी का दिल घबराया। भेड़िये ने छलांग लगाई, गोपी पर मुसीबत आई, किसी तरह गोपी ने फिर अकेले अपनी जान बचाई, अकेले अपनी जान बचाई। अभी आप सुन रहे थे ये कहानी, सच ही बोलो सच ही बोलो। हाँ बच्चों, यही है इस कहानी का संदेश। काव्य रचना प्रोफेसर कृष्ण गोपाल रस्तोगी, विषय संयोजक प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय समन्वय डॉक्टर अमरेंद्र बेहरा, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, सूत्रधार उर्मिला भार्गव, संगीतकार दिनेश प्रभाकर, गायन स्वर भूपेंद्र और धीरा, बाल गायक संस्कृति अनुराग और राशि, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन एम उपेंद्र नाथ, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।